बच्चे सर पढ़ाने के टाइम में। हमारे इंडियन यूट्यूबर गुंजन आज जितिया की व्रत की शुरुआत कर रही हैं। आपको पता होगा कि हमारा जितिया जो पर्व होता है बहुत लंबा उमा चलता है। लंबा का मतलब होता है एक दिन नहाना खाना होता है, एक दिन व्रत करना होता है और एक दिन पान करना होता है। तो ऑलमोस्ट जो हमारा जो फेस्टिवल होता है 2-3 दिन का हो ही जाता है। तो आज देखिए ये क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले जो करना, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। एंड अभी मॉर्निंग का टाइम है, जितिया का नहाए खाए है आप। तो आज आप लोगों को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से जितिया पर्व की स्टार्टिंग हो जाती है और आज नहाए खाए है तो मैं इस टाइम पे नहा ली हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले नहाने के बाद यही होता है कि हमें जो भी चीज़ें दान करनी होती है ना वो चीज़ छूना होता है। तो बस यहाँ पे चावल दाल और ये झिंगनी जो होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसकी सब्जी बनेगी रात को और ये दान करने के लिए यहाँ पे छुआ जाता है। तो बस ये मैंने कर लिया है और इसके बाद से भी मुझे पूजा पाठ करनी है। और इसके बाद से और भी कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशली की जाती है, जैसे कि नहाने के बाद नहा खा में सबसे पहले क्या खाया जाता है तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो उससे पहले मैं अपना पूजा कर लूँ। विधि विधान से होता है हमारे हिंदू धर्म में पूजा, उस तरह से पूजा की जा रही है क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी पर्व पर त्यौहार होता है तो उसको दिल से मनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ दिल से ही मनता है। तो आज स्पेशल आज विश्वकर्मा पूजा भी है। तो विश्वकर्मा पूजा है तो विश्वकर्मा पूजा तो शाम में होगा। तो सुबह सुबह हुआ कि चलो ये वाला काम हो जाए उसको शाम में चलेंगे। उसमें भी सब जितने लोग का जो गाड़ी होता है, किसी साइकिल होता है, किसी के पंडा होता है, किसी के स्कूटी होता है, किसी के बाइक होता है, किसी के फोर व्हीलर होता है। होगा कुछ विश्वकर्मा पूजा में कुछ स्पेशल होने वाला है मेरे लिए। तो आप लोग दिल थाम के रहिएगा क्या स्पेशल होने वाला है, कुछ सरप्राइज है। तो सरप्राइज देखने के लिए वीडियो बन रहे हैं और सरप्राइज का धीरे धीरे पत्ता खोलेंगे कि क्या क्या सरप्राइज है नहीं है। यहाँ पे मैं साथ ही साथ में बाहर में आके तुलसी जी की और सूर्य भगवान को जल देना था तो ये भी पूजा साथ ही साथ कर लेती हूँ मैं। और हर एक पर्व की अपनी अपनी मान्यता होती है। जीवित पुत्री का व्रत जो है ये अपने बच्चों के लिए किया जाता है और सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा लंबी उम्र हो, इन्हीं सब चीज़ों के लिए किया जाता है। तो भगवान सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। और यहाँ पर मेरी पूजा जो है यहाँ पर अब समाप्त हो गई है। तो पूजा यहाँ पर करने के बाद अब मैं जाऊँगी अंदर में और उसके बाद से अब मैं निकालूंगी जो जिससे मुझे मूंछ उठा करना है। तो गाइस ये है जीतिया पर्व की सबसे मतलब नहाए खाए की सबसे स्पेशल थिंग्स। तो ये ही खाई जाती है मतलब पुराने जमाने से जो चलती आ रही है प्रथा उसके अनुसार। इस दिन ना रागी का, यहाँ पे रागी बोलते हैं अपने यहाँ, जैसे बिहार यूपी में इसको मड़ुआ भी बोलते हैं। तो ये मड़ुआ का रोटी खाया जाता है यानी कि रागी की रोटी और साग खाया जाता है। तो कौन सा साग खाया जाता है मतलब कोई भी साग खा सकते हैं शायद ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे देखिए ये मेरा रेडी है। तो नहाने वहाने के बाद पूजा वूजा करने के बाद इसी से हमें सबसे पहले मुझ जूठा करना होता है। तो एक्चुअली ये तो मतलब हर जगह मिलना तो खैर मुश्किल होता है, या फिर मिलना मुश्किल नहीं होता है तो भी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये देखिए कितने अच्छे से ऐसे करके बनी हुई है। ये हाथों पे रख के बनाई जाती है, बेली नहीं जाती है इस पे, हाथ पे मतलब दोनों हाथों से बनाई जाती है इसको। तो बस ये मेरा रेडी हो चुका है। तो एक्चुअली ये मैंने नहीं बनाया है लेकिन यहाँ पे जो लोग भी करते हैं ना उनमें से एक आदमी जैसे कि हमारे रिलेटिव है तो वो उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी तो उन्होंने साग भी बना के भेजा है। और
इसके साथ में मड़वा का जो होता है रोटी, वो भी बना के भेजी है। बस इस स्पेशल चीज़ से जो कि मतलब सबसे महत्वपूर्ण होती है, इससे अपना मैं मुंह जूठा करती हूँ। और प्रिंस उधर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। परी यहाँ पे है, परी की आज छुट्टी है क्योंकि सैटरडे है, तो आज इनकी छुट्टी है। बस ये घूम रही हैं इधर उधर। और आप लोगों का जो जितिया पर्व है, नहाए खाए कैसा चल रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ये रहा मेरा पहला निवाला। सुखाना आपको ये लीजिए, खा के देखिए कैसा लग रहा है। चॉकलेट वाला है परी, लीजिए चॉकलेट वाला है ये। अच्छा नहीं है, नहीं चॉकलेट वाला रोटी जुटा करके नहीं दो अभी, पापा को दे दो, पापा को दो, पापा को दो, पापा को दे दीजिए। आने के बाद पूजा करने के बाद जो मुझे थोड़ा सा समय मिला था ना, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे तैयार करके रख दी थी। आटा गूंथ दिया था मैंने, और बस ये भुजिया सब्जी बनानी है मुझे, और रोटी बनानी है साथ में, और दही या दूध है साथ में, और जो साग है ना वो साग में से बचा हुआ है, तो इससे इस टाइम पर हो जाएगा। तो बस मुझे पहले तो खाना था वो मड़ुआ का रोटी और साग, तो मैंने वो खा लिया। उसके बाद से फटाफट से ये बना दूँगी, तो इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, फटाफट से बन भी जाएगा। एक तरफ दूध बॉयल हो रहा है मेरा, एक तरफ सब्जी बन रही है। जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा तो वहाँ पे मैं रोटियाँ सेक दूँगी। तो गाइस बस हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और दोनों बच्चे नहा चुके हैं। परी कर रही थी पढ़ाई, लेकिन अभी शर्म के मारे ना कवर कर लिए फेस। प्रिंस हेयर कम नहीं होगा, हेयर कम नहीं करवा रहे हैं प्रिंस, है ना। करिए जल्दी से करिए, ये टॉवल दोनों बेटा गीला है। ये तो घर घर की आदत होती है, टॉवल गीला छोड़ दो। प्रिंस बहुत हैप्पी है, प्रिंस बहुत हैप्पी है, बहुत ज्यादा। तो चलेंगे घूमने हम लोग, बाबू घूमने जाएगा, घूमने जाएगा। अच्छा चलिए, आप थोड़ा संडे मंडे सुनाइए तो जल्दी से। संडे मंडे ट्यूजडे बनाना, बाबू अभी खाया है ना, अभी खाया है बाबू। चलिए संडे मंडे सुनाइए जल्दी से, जल्दी से, फिर आपको तुम बनाना मिलेगा। नहीं दो दो, बाबू भूखा में चीजा पका। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम हो चुका है, जीतिया का आज नहाए खाए हैं, तो मॉर्निंग में नहाए खाए हो चुका है, विधिवत सब कुछ हो चुका है। और अभी मैं छिल रही हूँ झिंगनी, तो झिंगनी की सब्जी एकदम मस्त होती है, तो वो बनेगा इस टाइम पे। और इधर मैंने दाल चढ़ाया था, तो दाल मेरी बन गई है, राइस बनाना है मुझे। और यहाँ पे देखिए पकौड़ों के लिए ना मैंने यहाँ पे निकाला है बेसन, और अभी इसको मिक्स करके इसका बैटर तैयार करना है मुझे। और यहाँ पे झिंगनी छिल रही हूँ, और यहाँ पे प्याज लहसुन और मिर्ची कट करके मैंने रख दिया है, बस अभी इसको बनाना है। तो बस अभी खाना बनाने में लग रही हूँ। तो आज के दिन पता है क्या क्या बनता है, चावल दाल पकौड़े, और उसके बाद से सब्जी, झिंगनी की सब्जी, और चाहे तो कोई और सब्जी भी बना सकते हैं अगर किसी और को खाना है तो, लेकिन चढ़ाने के लिए इसमें से निकाल के हम लोग रखेंगे। और इसके अलावा पूड़ी या रोटी जो भी चीज़ें होती है ना वो बनती है, तो बस इसी सब की तैयारी में लगी हूँ। और ये देखिए मेरे पुत्र हैं, और आके उधर से वो फोन 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 चिल्ला रहे हैं। और ये देखिए दाल बन चुके हैं, और ये सब्जी बनने की तैयारी है।
लगभग मेरी सारी चीज़ें बन चुकी है, बस पूड़ियाँ तलनी मेरी रह गई हैं। तो पूड़ियाँ मैं ज़्यादा नहीं तलूँगी क्योंकि राइस दाल भी बना है और पूड़ी भी बना है, तो बस पूजा में निकाल दूँगी अलग और उसके बाद से खाने वाली अलग। तो बस इस तरीके से मेरी सारी चीज़ें लगभग रेडी हो चुकी हैं, बस मुझे इन चीज़ों को अलग करना है। गाइज इस टाइम पे सारा खाना बन चुका है मेरा, लगभग इस टाइम पे, टाइम तो नहीं देखा है मैंने, लेकिन लगभग 8:30 के करीब हो रहे होंगे। और खाना मैंने सारा बना दिया और जो भी खाना बनाया है मैंने उसमें सब में से मुझे निकाल लेना है, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। सारा खाना जो है ना वो मैं निकाल रही हूँ और उसके बाद से जब निकाल देंगे तो उसी जो भी खाना है वो निकाल देंगे तो सुबह में उससे पूजा होगी, जो चढ़ाते हैं उस पर भी होगी और खुद जो खाना होगा ना तो इसी में से हम लोग खा सकते हैं चढ़ाने के बाद जो बचता है। इसके अलावा दही चूड़ा वो हम लोग खा सकते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकाल दिया है, ये पकौड़ी निकाल दी है मैंने, राइस निकाल दिया है, दाल निकाल दी है मैंने, सब्जी हो गई है और ये रही पूड़ी, तो चढ़ाने के लिए मैंने ये सारा चीज़ निकाल दिया है। और निकालने के बाद ही खाना खाना होता है, तो बस अभी बच्चों को खाना दूँगी और खुद भी खाऊँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और इस टाइम पे अब होने वाली है रात, सोने का टाइम, तो चलिए खाना खाने चलते हैं। और आप लोगों की जीतिया जो है वो कैसी चल रही है, कैसी है, रही आप लोगों की जीतिया बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और मॉर्निंग में जो है ना पत्ता लगता है, जैसे झिंगनी की सब्जी बनी है ना तो झिंगनी का पत्ता पे ही हम लोगों का मतलब जो भी चढ़ाया जाता है ना, जो मैं ये सब कुछ निकाली हूँ तो वो चढ़ाया जाता है, तो एक्चुअली यहाँ पे मिलता नहीं है। झिंगनी तो बड़े बड़े मिल जाते हैं पर उसके पत्ते मैंने आज तक नहीं देखे हैं, तो उसके बदले में मैंने मंगवाया है कोहड़ा का पत्ता, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पे कोहड़ा का पत्ता जो होता है ना वो मैंने मंगवा लिया है, तो एक्चुअली दो का काम है लेकिन चलिए अधिक रहना चाहिए कोई भी चीज़, तो 4-5 इसमें है। तो बस सब कुछ तैयारियाँ हो चुकी है, सब कुछ मैंने कल ही ले लिया था लेकिन वही बस पत्ता मेरा रह गया था तो वो भी ले लिया है। और सरगी सुबह में खानी है, तो सुबह उठना है 3 बजे के करीब उठना है और 3 बजे के पहले ही उठना पड़ेगा क्योंकि उसके पहले मतलब सरगी खाने के पहले थोड़ा अपना ब्रश ब्रश करना, फ्रेश होना, सब कुछ करना पड़ेगा। सॉरी प्रिंस यहाँ पे आ गए हैं, उन लोगों का खाना मैंने दे दिया है, उन लोगों का खाना लगा दिया है मैंने ये निकालने के बाद से, क्योंकि बच्चे जो है ना मतलब टाइम से खाते हैं। तो बस बाबू को ना भूख लग गई थी, परी को तो नहीं लगती है बट बाबू को लग जाती है, खा लेता है उसके बाद खेलता रहता है, ऐसा नहीं खाने के बाद सो ही जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो चलिए अभी के लिए आप लोगों को गुड नाइट और मिलती हूँ कल मॉर्निंग में 3 बजे सरगी खाने के टाइम में, तो वो सारी चीज़ें भी आपसे शेयर करूंगी कि सरगी खाने के टाइम क्या करना है, कैसे चढ़ाना है, जो भी हमारी परंपरा है वो सब आप लोगों को दिखाऊंगी, बिहार की जो परंपरा है। तो हमारी आपकी सबकी एक ही तरह की परंपरा है लेकिन वही थोड़ा बहुत कमाइनर अलग होता है कोई चीज़ में, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, जैसे कि दान दक्षिणा देनी होती है, बहुत लोगों का आज होता है, बहुत लोगों का पारण के दिन होता है, तो ऐसे करके। सो चलिए अभी के लिए गुड नाइट।